नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं आप सभी का उद्भाषण मैथ्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रही हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उद्भाषण मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उद्भाषण मैथ्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आए। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी लघु पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ए पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए नवपाषाण, बी पुरापाषाण काल, सी लघु पाषाण, डी मध्य पाषाण युग। तो इसका सही उत्तर है बी पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। इसका सही उत्तर है ए सीधी, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरस्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर है सी अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सिलखड़ी की आयताकार मोहरे, तांबो की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदी मुख, भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। इसका सही उत्तर है सी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी स्तंभगाल हॉल और डी दो मंजिला मकान। तो इसका सही उत्तर है बी धान्यागार। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चनहुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना
सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध, डी नरसिम्हा। तो इसका सही उत्तर है नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही उत्तर है सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूल मृत्यु से इस बात का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र या डी फारसी। तो इसका सही उत्तर है ए सिंधु घाटी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में काली बंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। इसका सही उत्तर है डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़े गिरी। तो इसका सही उत्तर है बी व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी और सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, व्यापार ही था। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका उत्तर बताइए ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर है डी लोहा। हड़प्पन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो प्राप्त हुई थी, लेकिन लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का जो प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इसका सही उत्तर है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ यानी जौ डालकर खीर तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए जौ या यौ, बी जई और सी राई, डी गेहूं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। इसका सही उत्तर है डी तांबा। ऋग्वैदिक लोगों को द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध मानी गई है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांस्य या लोहा बताते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। इसका सही उत्तर है ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
सी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद या डी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही है पूछा है ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यास, सी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ असन्यास गृहस्थ, डी गृहस्थ सन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। अगला प्रश्न है, आर्य पुरुषों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, डी उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर है डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य जो थे इनका इसीलिए संघर्षों में अपने सफल रहते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो इसका सही उत्तर है सी व्यवसाय पर। जो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए होते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता यानी वृषज यानी वैद हैं, तो मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी न कि जमीन, उपयुक्त सभी। इसका सही होगा उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय की इतनी ज्यादा चर्चा हुई है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जाता था। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है, उन्होंने अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही लड़े थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है, गाय सबसे उत्तम धन मानी गई। जहां कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आती थी तो गाय ही होती थी उनकी, और भूमि कभी भी नहीं होती थी। ऋग्वेदिक लोग जो लोग गाय चराने खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आप सभी को कैसे लगे जरूर बताइएगा, और उद्भव से मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।